बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने जो फार्मर भाई हैं उनके लिए इंतहाई अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होते हैं, तो आज की वीडियो हमारी इंतहाई ज़बरदस्त है, जो कि बछड़ा फार्मिंग के बारे में ही है कि एक जो बछड़ा फार्मर है, जो बछड़ों की फार्मिंग करता बंदा, वो इसको कैसे कामयाब बना सकता है, इसकी कामयाबी के लिए किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है, तो इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। दोस्तों, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि और मुआजना भी आपके साथ शेयर किया कि कट्टों की फार्मिंग भी मैं करता आया हूँ, तो अब बछड़ों के कारों को दिन थोड़े थे, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कुर्बानी के दिन बिल्कुल थोड़े रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ये जो टाइम है इसमें एक फ्लाग ये निकाल लिया जाए बछड़ों का। तो उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कट्टा फार्मिंग किस लिहाज से बेहतर और बछड़ा फार्मिंग किस लिहाज, लेकिन आज हम बछड़ा फार्मिंग पे बात करेंगे कि इसको हम किन बातों पे अमल करके कामयाब बना सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानवर तो मेरे देख ही रहेंगे, पहले दिन से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, अब तकरीबन 12 से 14 दिन हो गए, तो मेरे लिहाज से इनको काफ़ी मतलब ग्रोथ में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इतने दिन में तो वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जानवर पिक सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वज़न अपना लूज़ कर जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो नई जगह पे आता है। ये जानवर आप देख सामने आपके खड़ा, ये बिल्कुल कमज़ोर था, ये भी इंतहाई कमज़ोर था, आप माशाल्लाह बेहतर नज़र आ रहा है, काफ़ी फ़र्क है, ज़्यादा मतलब मोटा तो नहीं हुआ लेकिन बेहतर है, कुछ ग्रोथ ये कर रहा है। और ये जानवर आप देखिए, ये बिल्कुल ही कमज़ोर था जिस दिन मैं लेके आया था, और आज इसको भी माशाल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क है, मतलब इसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि उन 5-6 बातों पे कि जिन पे अमल करके हम बछड़ा फार्मिंग को कामयाब बना सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें जिन पे अमल करके बछड़ा फार्मिंग पे हम कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेन बात यही है कि खुराक का तयन हमने करना है, कि अगर ये तो कुर्बानी के लिए फ़्लाग, इनको खुराक जो मैं डाल रहा हूँ वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, खुराक का आपने तयन करना, आपने ऐसी खुराक डालनी है कि जो खुराक इनके लिए आइडियल हो, जिनसे इनका वज़न गेन हो, अच्छा वज़न ये गेन करें। खुराक आपने तयन अच्छे से कर लेना, वो आपने चाहे आप जो पहले आपका कोई दोस्त कर रहा है उससे मशवरा लें, या आप ख़ुद से डिसाइड करें। वैसे खुराक के बारे में काफ़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले खुराक का तयन, खुराक आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी खुराक होनी चाहिए कि जिससे आपके जो बछड़े हैं वो वज़न गेन करें। वो खुराक अब इनके लिए जो मैं खुराक कुर्बानी के लिए इनको तैयार कर रहा हूँ, ये बिल्कुल देसी खुराक है, इसमें मैं कोई वंडा इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसके लिए मैं देसी खुराक इनको डाल रहा हूँ। उसमें है जो गंदम है, और गंदम की जो रोटी खुशक, वो मैं एक टाइम में गंदम डाल रहा हूँ और एक टाइम में रोटी, और तीसरे टाइम में जो है वो मैं इनको घी भी डाल रहा हूँ, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके बारे में वीडियो मौजूद है। ये पहली होगी खुराक की बात। खुराक के बाद हम आते हैं कि जो मेन बात है बछड़ा फार्मिंग के लिए, मेन जो ज़रूरी बात है जिस पे आपने लाजमी अमल करना, वो इनकी सफाई है। ये अभी देखिए आप, सफाई फार्म की होनी चाहिए, मतलब इसमें पानी नहीं खड़ा, ये थोड़ा एक जगह पर कीचड़, इस जगह पर इसलिए हो जाता है, इधर हम इनको नहलाते हैं रोज, तो भी थोड़ी सी जगह ये है जिस पर हो जाता है, बाकी सारा तकरीबन फार्म जो है वो जगह खुश है, कहीं भी आपको पानी या कीचड़ वगैरह नज़र नहीं आएगा। क्योंकि होता तो मैं पहले भी वीडियो बनाता रहता हूँ, कट्टा फार्मिंग में भी सफाई लाजमी होनी चाहिए, लेकिन खैर अगर थोड़ी बहुत हो उसमें सफाई ना भी हो तो गुजारा चल जाता है, वो थोड़ा इस लिहाज से वो कह लें कि थोड़ा सख्त जान होते कट्टे, वो कीचड़ वगैरह को बर्दाश्त कर लेते और उस पर भी वो ग्रोथ करते रहते, फ़र्क उन की भी ग्रोथ पे पड़ता है, ये मैं नहीं कहता कि उनकी ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ता, सफाई भी उतनी ज़रूरी जितनी आपके खुराक है। तो ये चीज़ होगी। और तीसरी एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो काफ़ी दोस्त नहीं करते, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है आपकी जो पानी वाली हौजी है, ये आप देख सकते हैं, ये इनका पानी का, इसमें तकरीबन आपने हफ्ते में अगर ज़्यादा नहीं तो एक बार चूना लाजमी इसमें फेर देना है, और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना ताकि वो खुशक हो जाए, उसके बाद आपने इसमें पानी भरना। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, काफ़ी भाई पूछते हैं कि भाई चूना क्यों मारना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, या ये आप क्यों, काफ़ी वीडियोस में पहले मैं जिक्र कर चुका क्यों कहते, चलो मैं इस पर मैं थोड़ी आज तफसीलन, वीडियो तो लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ।
दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है कि जब जानवर एक तो गर्मी की वजह से, अगर सर्दी में भी ये माने थोड़ा पानी ठंडा रहे, तो दूसरी जो मेन बात है इसमें होता है कैल्शियम चूने में, जिसकी जानवर को ज़रूरत होती है। और जब चूना हम हौजी में मारें, आप ये खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि जब आपकी हौजी में चूना होगा तो जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। इसमें एक तो इसको कैल्शियम मिल जाती है, दूसरा वो पानी थोड़ा इसके मियार के मुताबिक हो जाता है, ज़्यादा जानवर पानी पीता, और जितना जानवर पानी ज़्यादा पिएगा उतनी ग्रोथ ज़्यादा करे। दूसरी ये एंड पे ये बात है, वीडियो को हम वाइंड अप थोड़ा करने की तरफ जाते हैं, चूने वाली बात होगी ये, आप उम्मीद करते हो समझ गए होगे। वो मकदार इसकी कोई इतनी नहीं, आप किसी बर्तन वगैरह में घोल लें चूना और अच्छे से इसको 4 दिन बाद 5 दिन बाद, वैसे मैं तो 2-3 दिन बाद लाजमी मार देता हूँ, लेकिन आप अगर फार्मर भाई समझते हैं कि यार इतनी मुशक्कत हम नहीं कर सकते, 2-3 दिन नहीं लगा सकते, चलो कोई बात नहीं, आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसको चूना लाजमी कर दें, ताकि वो आपकी हेक तौजी साफ़ रहेगी। उसमें जो एक मैं और चीज़ आपको बताता हूँ उधर जाके, ये देखिए अब बिल्कुल ये साफ़ है, इसमें कहीं भी वो सबज सा एक मादा बन जाता है, वो पानी मतलब ख़राब उससे हो जाता है, तो वो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इससे पानी साफ़ रहेगा और जानवर पानी शौक से पिएगा। ये बड़ी दूसरी जो है बात वो ये है कि डिवर्मिंग का तो पहले भी मैंने जिक्र किया, तो आज फिर मैं कर रहा हूँ कि डिवर्मिंग जो है लाजमी चीज़ है। डिवर्मिंग आपने कट ऑफ फार्मिंग में मैंने आपको बताई, लेकिन बछड़ा फार्मिंग दोनों चीज़ों में ज़रूरी है। काफ़ी फार्मर जो हैं वो डिवर्मिंग नहीं करते, जानवर को ऐसे ही रखते हैं, वो कहते हैं डिवर्मिंग इतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन डिवर्मिंग ज़रूरी है। अगर जानवर का पेट ही साफ़ नहीं तो फिर उसने ग्रोथ क्या करनी। जानवर का अगर पेट साफ़ होगा, जो खुराक वो खाएगा वो खुद उसको ही लगेगी, ना कि जो उसके पेट में वो वर्म वगैरह मौजूद होते हैं, कीड़े होते हैं, वो आधी खुराक तो वो ले जाते हैं अगर पेट जानवर का साफ ना हो। तो डिवर्मिंग से एक तो ये होता है कि पेट भी साफ़ हो, दूसरा कुछ जानवर, इस तरह एक जानवर इधर है मेरे भी आ गया थोड़ा गलती से, ये जानवर जो सामने खड़ा है इसका पेट थोड़ा नीचे लटका हुआ है, तो जब डिवर्मिंग हम करेंगे तो इसका पेट भी ये वर्म की वजह से ही नीचे भी आ जाता है, तो ये इसका पेट है जो ऊपर को हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, तो जब पेट इसका ऊपर हो जाए तो फिर ये ग्रोथ करना शुरू करेगा, लेकिन इसका पेट जब नीचे रहेगा तो ये ग्रोथ नहीं करते, वो पेटल जानवर भी इसको बोला जाता है। वर्मिंग ज़रूरी चीज़ है। दूसरा मतलब अगर आपने कोई मुलाजम रखा हुआ है, एंड पे ये बात करते हैं, तो उस पे आप मुकम्मल ना छोड़ें। मुलाजम ने तो अपना काम करता, उसने कहा है ना कि तनख्वाह लेनी है भाई, कोई बात नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही रहा है, बस सही है। कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता तो उसने इतनी तवज्जो नहीं देनी, आप दिन में ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा इनको टाइम लाजमी दें। इससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके जानवर ग्रोथ कैसी कर रहे हैं, आपका खुदा न खास्ता कोई जानवर बीमार तो नहीं है, ये मुकम्मल चीज़ें आपको इस तरीके से पता चलती रहेंगी, तो आपको जानवर की ग्रोथ का अंदाज़ा होता रहेगा। तो आप ज़्यादा नहीं तो 1 दिन में आप 1 घंटा तो इनको टाइम दें, वो चाहे सेकंड टाइम हो जाए फर्स्ट टाइम, अगर ज़्यादा आप नहीं दे सकते, काफ़ी लोग जो भाई है वो मसरूफ़ होते हैं, वो मतलब टाइम नहीं दे सकते ज़्यादा देर, तो इतना टाइम तो आपने लाजमी देना है। इससे ये होगा कि आपके जानवर की आपको ग्रोथ का पता चलता रहेगा कि उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, या वो वज़न गेन कर रहा है, या खुदा न खास्ता जो आप खुराक डाल रहे हैं उस पर वो वज़न नहीं बढ़ा रहा। तो ये अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे, ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है बछड़ा फार्मिंग उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो एंड पे ये भी है कि जब सेल करने की बारी आती है तो आप ये भी मैं बताता चलो कि जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब क्योंकि जो एरिया के व्यापारी होते हैं ज़्यादातर वो मिले होते हैं तो सही रेट नहीं लगाते, तो कुछ नए फार्मर भाई जो वो परेशानी में कहते हैं कि अब जो रेट लग रहा है सही इसमें हम दे दें, ले इस तरह आपने नहीं करना, बिल्कुल भी जल्दी आपने नहीं करनी, आपने आराम से अच्छे से रेट लगवा के और कैलकुलेट करके कि मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है तो आराम के साथ इसको सेल करना है, क्योंकि जब पहली दफ़ा हम शुरू करते हैं तो बाद फार्मर भाई इसीलिए फार्मिंग कटों के या बछड़ों की छोड़ देते हैं, तो वो व्यापारी हजरात जो हैं वो लूट मार करते हैं और उनको रेट सही नहीं लगता, उनका इतना तजर्बा नहीं होता, तो वो अच्छे से इसको देख के अपना अच्छे से व्यापारी लगाएँ और आराम के साथ उसको सेल करें। तो ये चंद चीज़ें जो है ये बछड़ा फार्मिंग में आपको कामयाब बना सकती है, अगर इन पे आप अमल कर लें तो इससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है, आप इससे कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बछड़ा फार्मिंग के बारे में वीडियो, कि किन बातों पे अमल करके हम जो है बछड़ा फार्मिंग इसको कामयाब बना सकते हैं, इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन हो वो अपने फार्मर भाइयों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि उनका फ़ायदा होता रहे, जिन चीज़ों का उन्हें नहीं इलम होता उनको इलम होता रहे, और बाकी जो मुझसे सीनियर हैं फार्मर भाई तो वो अपनी कमेंट में कीमती
जो है वो राय देते हैं, तो उससे मेरा भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ। मेरा जो थोड़ा बहुत तजर्बा होता है वो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसीलिए आपने ये फार्मर भाइयों के लिए मैंने चैनल बनाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।